न स्वर्गम न पुनर्भवम, अगर पुनर्जन्म होता है तो मैं भोग लूंगा। काम है अब मैं मानता हूं तो यही भिष्य ने कहा कि अब मैं मानता हूं जो यमराज का मिलेगा। उसने तो सोचा था कि स्वर्ग मांगने तो स्वर्ग देते हैं, लेकिन भिष्य ने स्वर्ग छुपरा दिया। अब ना जाने क्या मांगेंगे। भिष्य ने कहा न तो हम कहा मैं राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कहा मैं मानता हूँ कहा मैं दुख तप्त नाम प्राणी नाम दुख से तप जितने प्राणी हैं सभी का दुख हमारी झोली में दे दो, यही मैं मानता हूँ। यमराज कहते हैं प्रभु मैं नहीं दे सकता हूँ, आपने जो मांगा है कि सभी का दुख हमारी झोली में दे दो, प्रभु मैं नहीं दे सकता हूँ। क्यों अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतये कर्म शुभाशुभम, इस संसार में आए हैं अपने कर्मों का भोग भोगना है और दूसरे के बारे में कोई नहीं दे सकता। इसके बाद मैं आना चाहता हूँ रामायण के प्रसंग पर। सभी बच्चे राम का चरित्र को जानते हैं लेकिन रावण के चरित्र को बहुत कम लोग जानते हैं। रावण का चरित्र क्या है, सत्य समझता है कि अब तो केवल गलत है बुरा है, लेकिन जिसने रामायण गहराई तक पढ़ा है, मेरे पिताजी को करीब करीब रामायण का ठाक था, साथ बैठाते थे चौपाइयाँ सुनाते थे और मुझे अभी भी सैकड़ों चौपाइयाँ याद है। रावण भगवान शंकर की पूजा करते करते अजम निर्गुणम निर्विकल्पम देहि हम चिदा का समा का सभा भजे हम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम, बस गाते चला गया है। रावण सोचता है मैं दंभी हूँ, मुझ में ताकत का अहम है, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। रावण कहता है कि एक उपाय है अगर राम जन्मलेश में है सुरवृंदम महात्माओं को प्रसन्न करने के लिए यदा यदा ही अग्नि भवति भारत अद्वितानं सत्यं तदा प्रमाणं सत्यमहं, भगवान का रूप ऐसा आया है। राम अगर सत्यम अवतार ले चुके हैं तो मैं जाए पैर हर्ष करियो, मैं पैर करूँगा हर्ष करूँगा और प्रभुसर प्राण तदेव होती हूँ। उसने प्लान बनाया क्यों नहीं सीता का हरण किया जाए। सीता का हरण करता है। यादव को मित्रों अगर रावण दुराचारी होता तो सीता को अपने महल में ले जाता, अशोक वाटिका में नहीं रखता। सो रावण सीता ले जाकर अशोक वाटिका में रखता है, वहाँ उसके पहरे में मर्दों को नहीं रखता है औरतों को रखता है। रावण जब मिलने जाता है सीता से तो चाहता वहाँ खींच कर लाता अपने महल में। रावण जब सीता से मिलने जाता है तो अकेले नहीं जाता है, औरतों को साथ ले जाता है, यही रावण का चरित्र है। इसलिए मित्रों रामायण हो गीता हो उपनिषद हो उसके पढ़ने में कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगा। और चाहे जिससे कहूँ मुझे तो मुझे रावण राम से थोड़ा ही कम अच्छा लगता है। रामायण में जब चारों भाइयों को राम को मारने के लिए विश्वामित्र आए हैं तो विश्वामित्र दशरथ जी कहते हैं राम सभी प्यारे हैं अच्छे हैं लेकिन राम हमसे ज्यादा प्यारे हैं। क्या राम और रावण में राम अगर आगे हैं तो उनके समकक्ष रावण भी है।
मनुष्य का चरित्र ऐसा होना चाहिए। लगता है मैं ज्यादा बोल गया, समय कम है। अब इसके साथ मैं कुछ आप व्यक्ति सुनाता हूँ। ये हाथ में जो छड़ी देखते हैं, जब यह छड़ी नहीं थी तो मैंने देखा था, जा रहा था टहल में, एक लड़का दौड़ता हुआ आया, प्लास्टिक के फीते में उसका पाँव फंस गया, गिरा, फ्रैक्चर हो गया और वो हॉस्पिटल गया। तब से मैं प्लास्टिक के फीते को किनारे कर देता हूँ। ऐसा ही हुआ, एक बार मैं जा रहा था टहलने के लिए, तीन व्यक्ति सूटेड बूटेड मेरी तरफ आ रहे थे। मैं अपने काम में लगा था, प्लास्टिक के फीते को हटा रहा था। तो तीन में से दो मुझे जानते थे और एक नहीं जानता था। जो मुझे जानते थे उन्होंने कहा कि सर आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कोई गिर न जाए इसलिए फीते को किनारे कर रहा हूँ। जो मुझे नहीं जानता वो कहता है सब कब से कहा फीते ले रखा है। उसने उसे डांटा, आप जो इन्विटेशन प्रिंसिपल साहब ने जो दिया है उसमें इन्होंने You are not free. If you are invited there, you are bound within the four walls of freedom, four walls of wisdom. जहाँ wisdom है, वहाँ कड़ा बोलने की गुंजाइश नहीं। मैं कैसे पूछ सकता था उनसे, What name do you go by? What place do you come from? What you are doing? What makes you here? ये भद्री भाषा में कैसे पूछ सकता था? मैंने कहा कि आपका विशाल व्यक्तित्व मेरी छोटी बुद्धि में अट नहीं रहा है। इतना कहता था कि वो लोग काम पे और मेरे पांव पर पड़े। उन्होंने कहा कि हम पोस्ट ग्रेजुएट मगध यूनिवर्सिटी के पीजी के प्रोफेसर हैं, केवल मैंने को पढ़ाते हैं। तो यहाँ यह मैं कहना चाहता हूँ कि यह वन प्लेस विस्टम है, लिटरेरी विस्टम है, और जहाँ विस्टम है वहाँ विवेक है, वहाँ तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार मुझे लगता है कि आप बहुत सुखी होंगे। आप लोगों के बीच में हूँ, आप बच्चों से मिलने का मौका मिला है, हमारी नंदी बराबर फोन करती है, क्या कर रहे हो, दौड़ के चले आओ। तो दौड़ भी जाना पड़ता है। प्रिंसिपल साहब ने आदेश दिया कि आपको आना है और मैं उस जमाने में जब पानी का जहाज चलता था पटना से, उस पार जाने के लिए मैं मुजफ्फरपुर में पोस्टेड था एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। उन दिनों आईएएस के लिए पीटी नहीं होता था, सीधे मेंस होता था, उसमें एफएएफ होते थे और आईएएस के पद पर जाते थे। जहाज पर मैं था, एक मेरे मित्र थे और उधर छपरा के यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर भी थे, 5 साल रहे होंगे। हमारे मित्र ने परिचय कराया, ये प्रोफेसर आनंद सिंह, मैं बच्चों की किताब बहुत पढ़ता हूँ, नंदन और पराग को, और संयोग से मेरे हाथ में नंदन और पराग के लिए प्रति थी। जैसे उन्होंने परिचय कराया, ये प्रोफेसर आनंद सिंह हैं, एमआईटी के प्रोफेसर हैं, तो उसी में से एक छोटे हुए व्यक्ति फिर तक व्यक्ति ने रिएक्शन में कहा, हाँ एमआईटी के प्रोफेसर हैं और पढ़ते हैं नंदन और पराग। हमारे मित्र ने तुरंत कहा कि पढ़ते हैं नंदन और पराग और आपके हाथ में जो किताब है इंडिया द सिक्स न्यूक्लियर पावर इन्हीं की लिखी हुई है, कुछ हमारे
नमानि पदिना कृष्ण नमानि गुणो जना सोस्तवेखाश्च मूर्खाश्च नमन्ति कदाचन नमो होइए विवेकित होइए और एक ओम संतप्ते कुशलमस्ते आयुस्तु गोवाज हत्यस्तु धन धान्य समृद्धिस्तु ऐश्वर्यमस्तु कुशलोस्तु विपुक्षयोस्तु ज्ञान वृद्धि सहिता हरे भक्तिस्तु इन्हीं शब्दों के साथ मैं मान्य विराम देता हूँ।